हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। डीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे पास आया है एक रिसीवर। फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये रिसीवर मेरे पास आज बनने के लिए आया है। तो आज हम इसका रिपेयरिंग करेंगे और आपको सिखाएंगे कि जब हमारे रिसीवर में समस्या आ जाता है, कोई भी समस्या, तो उसे किस प्रकार से हल करना होता है। ये सारी जानकारी आप लोगों को आज के इस वीडियो पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा छोटा वाला रिसीवर है। तो इसमें जो मदरबोर्ड और पावर सप्लाई आपस में कंबाइन रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या फॉल्ट है अभी हम पावर देकर इसमें देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, मैं इसको पावर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम पावर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पावर दे दिए दोस्तों। ये बोर्ड हमारा ऑन है, ये देख सकते हैं लाइट यहाँ ग्लो कर रहा है। अब हम रिसीवर पर के बटन को, दोस्तों रिसीवर के ऑन ऑफ बटन को यहाँ पर चालू कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार से लाइट नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल डेड की कंडीशन में है। तो ये छोटे वाले रिसीवर को किस प्रकार से रिपेयरिंग करते हैं दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। बड़े वाले रिसीवर को हर कोई आसानी से रिपेयर कर लेता है, क्योंकि उसमें होता कुछ नहीं है, पावर सप्लाई होता है, मदरबोर्ड होता है, उसको चेंज कर देते हैं, नया मिल जाता है। लेकिन कॉम्बो वाले रिसीवर को किस प्रकार से रिपेयर करते हैं, ये जानकारी आज के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे खोलकर देखते हैं इसमें समस्या क्या है। हमने दोनों पेज को यहाँ पर खोल चुके हैं, अब हम इसको देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला रिसीवर है, ये छोटा सा एक कार्ड देख रहे हैं, ये हमारा मदरबोर्ड है और ये पूरा पावर सप्लाई है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, जो नॉर्मल रिसीवर होता है उसको तो हर कोई रिपेयर करता है और बताता है। आज हम इस छोटे वाले रिसीवर का रिपेयरिंग करेंगे, जो इस प्रकार से चिप टाइप का लगा होता है दोस्तों, उसको रिपेयरिंग करना आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इस एसी कॉर्ड को चेक करना है, जो कि यहाँ पर हमारा करंट आ रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ जल्दी से पावर दे देते हैं। तो मैं इसको पावर देता हूँ दोस्तों, मल्टीमीटर से हम इसको चेक करेंगे। तो ये दोस्तों, मैं मल्टीमीटर को ले लिया यहाँ पर, और हमें एसी करंट पर सेट करके यहाँ पर जल्दी से चेक कर लेना है यहाँ पर हमारा करंट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 226 वोल्ट यहाँ पर प्रॉपर मिल रहा है दोस्तों। तो हमारा ये केबल बिल्कुल ही सही है। अब हमें दोस्तों यहाँ पर एक फ्यूज लगा है, उसको भी चेक कर लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पर इस प्रकार से टच करते हैं दोस्तों, ये देखिए करंट अब यहाँ और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम इसे चालू करते हैं। तो ये देखिए, तो दोस्तों मैं इस कार्ड को खोल लेता हूँ, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ऊपर से हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर पेच लगे हैं दोस्तों, उसको मैं जल्दी से खोलकर आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो होगा आपके सामने होगा, रिपेयर होगा तो रिपेयरिंग करेंगे, नहीं होगा तो भी हम बताएंगे दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो पर लास्ट तक के बने रहिए। तो दोस्तों, मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लॉक है दोस्तों, इसको हमें अलग करना होगा। जो इसके सामने के पैनल वाला है फ्रेंड्स कवर, इसको हमें निकालना पड़ेगा, तभी ये जाकर निकलेगा। तो मैं यहाँ पर इसको निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका कार्ड को कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमारा की बटन है, यहाँ पर डिस्प्ले है, एक लाइट है, और यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, जो कि सामने का पैनल वाला है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यहाँ पर 220 वोल्ट तो एसी हमने चेक किया, केबल भी सही है। अब हम यहाँ पर जो फ्यूज लगा है उसको हम चेक कर लेते हैं, कहीं फ्यूज तो ख़राब नहीं हो गया दोस्तों। तो हमें मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करना है, और यहाँ देख सकते हैं एक वायर यहाँ पर जुड़ा है, एक वायर यहाँ पर जुड़ा है, और यहाँ से यहाँ एक फ्यूज है दोस्तों। तो हमें फ्यूज ही सबसे पहले चेक करना है। तो देखिए, फ्यूज बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर ब्रिज डायोड है वहाँ गया हुआ है। मैं अभी थोड़ा सा जूम करता हूँ दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एक एक चीज़ दिखे। तो देख सकते हैं, यहाँ से हमारा एसी वायर यहाँ से फ्यूज होता हुआ, ये देखिए फ्यूज लगा है, फ्यूज होता हुआ ब्रिज रेक्टिफायर पर आया। यहाँ पर हमें
450 वोल्ट का कैपेसिटर नज़र आएगा दोस्तों, जो कि सभी सर्किटों में लगा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर मेन फिल्टर कैपेसिटर पर सप्लाई चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सप्लाई मिल नहीं रहा है, तो एक मिनट दोस्तों मैं इसे चालू कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस ऑन ऑफ बटन को चालू नहीं किया था, इसी कारण से नहीं मिल रहा था। आप चेक कर देखते हैं, मैंने चालू किया है। तो ये देखिए दोस्तों, हमें 315 वोल्ट डीसी का यहाँ पर मिल रहा है, 319 बीस। अब हमें दोस्तों इस पर करना क्या है, अब दोस्तों आउटपुट को चेक कर लेना, यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दो डायोड लगे हुए हैं, यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है फ्रेंड। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा वोल्ट मिलने लगा, जो कि 15-16 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, जो कि ठीक है दोस्तों। अब हमें चेक करना है, यहाँ पर चेक करना है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कितना वोल्ट मिल रहा है, 1. देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 वोल्ट के करीब यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ कितना मिल रहा है, 14-15 वोल्ट यहाँ मिल रहा है दोस्तों। और कहाँ पर चेक करना है, हमें यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 15-16 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड्स इसमें ये डायोड शॉर्ट हो सकता है कि क्या यहाँ पर, क्योंकि वोल्ट बन नहीं रहा दोस्तों। यहाँ पर हमारा 3.3 वोल्ट बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बन नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर शॉर्टिंग के लिए इस डायोड को चेक करेंगे। अरे ये आईसी बिल्कुल सही से काम कर रहा है दोस्तों, ये जो पावर आईसी लगा है ये हमारा ओके है, आउटपुट वोल्ट हमें मिल रहा है। तो हम चेक करेंगे कि 3.3 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पर कंटिन्यूटी के पॉइंट पर सेट कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों हम यहाँ पर चेक करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम ये जो SMD डायोड लगे हैं दोस्तों, इसको चेक करना है हमें। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इसका वैल्यू गलत बता रहा है दोस्तों। ये देख सकते हैं 197 वैल्यू बताता है, जो कि नहीं बताना चाहिए। डायोड हमेशा 450 से 450 का कंटिन्यूटी दिखाता है फ्रेंड्स, हमारा मेजरमेंट डायोड का इतना होता है। ये हमें लगता है दोस्तों ये हाफ शॉर्ट हो गया है, इसी कारण से इसमें ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों। तो हम ये डायोड को ओपन कर देते हैं दोस्तों। तो देखिए, मैं इसको ओपन करके चेक करूंगा। तो गाइस, ये डायोड गलत रीडिंग दिखा रहा है, देख सकते हैं 165 का रीडिंग दिखा रहा है फ्रेंड्स, जो कि गलत है। तो हम यहाँ पर दूसरा डायोड लगाएंगे दोस्तों। तो हम दूसरा डायोड लगाकर देखते हैं कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट का जो सप्लाई बनता है वो बन रहा है कि नहीं। मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, अब हम इसको पावर देकर देखेंगे दोस्तों। तो ये मैंने पावर दे दिया दोस्तों, अब हम चेक करते हैं यहाँ पर हमारा जो सप्लाई बनना चाहिए था वो बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो ये देखिए दोस्तों, 3.5 वोल्ट, ये देखिए 3.4 वोल्ट यहाँ पर बन गया। वो SMD डायोड था वो जो ख़राब हो गया था। अब हम देखेंगे कार्ड हमारा ऑन हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी भी कार्ड हमारा ऑन नहीं हुआ है, देख सकते हैं। तो हमें करना क्या है दोस्तों, आगे और चीज़ को चेक करना है हमें। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 3.3 वोल्ट हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। तो और आउटपुट सप्लाई हमें चेक करना होगा दोस्तों। तो देखिए 24 वोल्ट भी यहाँ सही हो गया, और फिर यहाँ पर 24 वोल्ट आ रहा है, और यहाँ 24। तो दोस्तों हमारा सप्लाई यहाँ पर बन गया, लेकिन हमारा कार्ड ऑन नहीं हुआ। तो एक बार दोस्तों हमें करना क्या है,
एक बार हमें जो यहाँ मदरबोर्ड लगा है और इसका जो लेग यहाँ पर कनेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कनेक्ट है। इसे हमें एक बार रिसोल्ड करके देख लेना है कहीं से हमारा प्रिंट उखड़ा थोड़ी है। इस चीज़ को देखकर हमें सारे प्रिंट को यहाँ सॉल्डर कर लेंगे। अब मैं इसको पावर देकर देखता हूँ कि हमारा ये चीज़ ओके हुआ कि नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा रिसीवर बिल्कुल ही यहाँ पर ऑन हो गया, ये देख सकते हैं। हम इसे एक बार बंद करके और दिखाते हैं दोस्तों, यहीं से मैं इसको बंद करता हूँ। तो ये देखिए बंद हो गया और मैं इसको चालू करता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ऑन हो गया, ये रिसीवर हमारा बिल्कुल ही ओके हो गया। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट का फाइंडिंग किया और कहां पर समस्या आता है, इस चीज़ को मैंने आपको बताया दोस्तों। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग जानकारी अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि आप लोगों के पास नए नए वीडियो इसी प्रकार से जल्दी मिले फ्रेंड्स। तो हम इसे पैक कर लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा काम हो गया। और दोस्तों यहाँ पर जो हम बड़े वाले डायोड लगाए हैं उसके जगह पर हमें एसएमडी वाले डायोड लगाएंगे दोस्तों।